लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है, वो कोई और होंगे, वो कोई और होंगे अपनी किस्मत पे जो रोते हैं। नमस्कार, मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर विजन ग्रुप। आज हम बात करेंगे किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो से लगातार बताता आ रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कैसे इंट्रोड्यूस की जाएंगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक। आपको स्क्रीन पे एक न्यूज़ जो महाराष्ट्र टाइम्स में पब्लिश हुई थी वो आपको यहाँ पे दिखाई देती होगी। यहाँ पे साफ तौर पे ये जिक्र किया गया, हालांकि वो जो न्यूज़ है वो मराठी में है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ कि ये न्यूज़ क्या कवर की गई है। इसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि अब आपके हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकना, इसका मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले ज़रूरी ये है जानना कि ये हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बताया गया है। जी हाँ, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक एजुकेशन के बारे में बताया था जो 12th स्टैंडर्ड तक लागू होता है, हालांकि उनमें भी वोकेशनल कोर्स का इंट्रोडक्शन किया जाने वाला है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस वक्त UGC यानी विद्यापीठ अनुदान आयोग, इन्होंने ये एक नई पहल की है। इन्होंने साफ तौर पर बताया गया है कि हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन में अब ये मौका दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से या अपनी चाह से, अपने जो उन्हें पसंद है उस हिसाब से वो अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ी सी आसान भाषा में समझाता हूँ, जैसे इस न्यूज़ में ही बताया गया है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे संगीत पसंद है या वो टूरिज्म या ऑटोमोबाइल सीखना चाहता है, लेकिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए कोई प्रॉपर डिग्री नहीं बनाई गई है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कॉमर्स में है लेकिन उसे डेटा साइंस सीखना है, या उसे एग्रीकल्चर या पैरामेडिकल में कुछ सीखना है, तो ऐसे सब जो स्टूडेंट्स हैं जो एक अलग डिग्री कोर्स में सीख रहे हैं, मतलब उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है लेकिन उनकी चाह कोई और है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक ऑप्शन, ये एक नया प्रस्ताव UGC की तरफ से जो है वो पारित किया जाने वाला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, जिससे वो अपने जो उनकी जो चाह है वो सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब तक क्या होता था, अब तक के अगर हम लोग एक जर्नी देखें या अब तक का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो अगर देखें, तो जब भी ये स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो उन्हें एक प्रॉस्पेक्टस दिया जाता है, जिस प्रॉस्पेक्टस में उन्होंने स्ट्रीम्स के हिसाब से कुछ ग्रुप बनाए होते हैं, जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, तो उन सारे स्ट्रीम्स के कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए रहते हैं पहले से, उन्होंने वो बनाया रहता है पैकेज के। आर्ट्स में अगर आपको करना है, हिस्ट्री में, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो भी होंगे। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस करना है तो ये रहेगा, उसके बाद में अगर कॉमर्स का अगर है स्ट्रीम तो उसमें भी ये नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब ऑल सेट, वो पहले से वो सेट रहेगा जिसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। और इतना ही नहीं बल्कि उस कॉलेज में पर्टिकुलर उन सब्जेक्ट का पैकेज लेके जब वो स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसके बाद अगर उसे आगे फर्दर एजुकेशन जैसे मास्टर्स वगैरह करना है, तो वो मास्टर्स भी उस स्टूडेंट को उन्हीं सब्जेक्ट, उन्हीं उस ग्रुप में ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से ही एक कोई सब्जेक्ट लेके उन्हें वो मास्टर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब ये एक ट्रेडिशनल एजुकेशन अब तक का चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे बताया गया था कि हम अपना जो भी प्रोग्राम है वो हम खुद सेट कर सकते हैं, मतलब जो बेसिक स्ट्रीम हम ले रहे हैं उस बेसिक स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट 2 या 3 जो है वो बने रहेंगे, और जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ग्रेजुएशन के लिए अमूमन 6 सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो बचे हुए 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स अपने चाह के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब तक ऐसी सुविधा स्टूडेंट्स को जो नहीं दी गई थी वो अब विद्यापीठ अनुदान आयोग यानी UGC की तरफ से दी जा रही है। प्राध्यापक भूषण पटवर्धन जो उपाध्यक्ष है विद्यापीठ अनुदान आयोग के UGC के, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि स्टूडेंट अब केवल उपलब्ध सब्जेक्ट जो है, मतलब जो तैयार किया गया है, जो डिज़ाइन किया गया है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, वैसे ही सब्जेक्ट लेके डिग्री नहीं करेंगे, बल्कि अपने पसंद के 2 या 3 सब्जेक्ट्स एडिशनल उसमें लेके वो उस भिन्न शाखाओं के भिन्न विषयों को इकट्ठा करते हुए, उसको मिक्सअप करते हुए वो एक प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, जिसे वो लिबरल आर्ट नामक एक डिग्री में उसको तब्दील करेंगे और वो अवार्ड की जाएगी।
लिबरल आर्ट के साथ साथ एक बीवोक बैचलर्स ऑफ वोकेशनल ये डिग्री प्रोग्राम भी यूजीसी की तरफ से ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। 2014 से ये एक नई डिग्री जो है वो भी स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन मौके आगे चल के खुलने वाले हैं। अब आते हैं हम हमारे वीडियो के सेकेंड सेगमेंट में। जी हाँ, स्टोरी। आज की स्टोरी जो है वो बॉस और एम्प्लॉय की है, लेकिन इसका जो मॉरल है वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक सबक या एक सीख दे सकता है। एक कंपनी है जहां पे किसी भी तरह का कोई प्रोडक्टिव या कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे उसकी तरक्की हो या किसी और पायदान पे, किसी आगे के पायदान पे वो कंपनी जा सके। बॉस के समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे एम्प्लॉयज़ को ये बताए कि उनका काम करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि जिससे वो ना खुद तरक्की कर पा रहे हैं ना कंपनी को आगे की मकाम तक वो ले जा रहे हैं। उसका जो दिल है वो ये कह रहा है कि उनसे वो साफ बात करे, लेकिन साथ में उसे ये भी लग रहा है कि अगर हम उन कर्मचारियों के साथ अगर कुछ ऐसे डायरेक्टली अगर बात कर दें, उन्हें बता दें कि नहीं आप ठीक से नहीं काम कर रहे, तो शायद वो हर्ट हो जाए। अब उसके सामने दिक्कत ये थी कि उसे ये बताना भी है, समझाना भी है, लेकिन साथ साथ वो ये डर भी रहा है कि शायद ऐसा ना हो जाए कि उनका दिल दुख जाए या फिर वो काम पे आना बंद कर दे। ऐसे में एक तरकीब उस बॉस को सूझी और उसने नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा दिया। सारे कर्मचारी जो अपने रेगुलर काम करते थे उन्होंने नोटिस बोर्ड की तरफ देखा और वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपकी तरक्की के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो कल मर चुका है और आज शाम को आप आके ऑफिस में उसे देख सकते हैं, उसका जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे लाके रखी गई है। सारे कर्मचारी हैरान हो गए कि ऐसा कौन है जो हमारी तरक्की को रोक रहा था या फिर हमारे प्रमोशंस को रोक रहा था। तो पता नहीं क्या है, एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता उन सबके मन में जागी। दिन भर उसी नोटिस की चर्चा रही और शाम को सब लोग अपना काम खत्म करके, थोड़ा सा जो भी चाय पानी नाश्ता है वो सब करके फिर से सब लोग रिटर्न आए, क्योंकि उन्हें वो डेड बॉडी देखनी थी कि जो जिम्मेदार है उनकी तरक्की को, जो व्यक्ति नहीं होने दे रहा है उसकी डेड बॉडी यहाँ पे आई हुई है। सब लोग आए, एक कतार में लगे, एक रूम थी जहाँ पे बॉस खड़ा था और उन्होंने कहा कि आप एक एक करके आगे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे वो व्यक्ति है जो मर चुका है जिसकी वजह से आपकी तरक्की रुकी हुई थी, आप ठीक से काम नहीं कर रहे थे या आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। अब एक एक व्यक्ति अंदर जा रहा है और एक दो मिनट के अंदर अंदर बाहर आ रहा है और बिना किसी से कुछ बात किए हुए वो वहाँ से निकल जा रहा है। पता नहीं अंदर कौन है, क्या है, ऐसे ही एक एक के नंबर आते गए। दरअसल बात ये थी कि अंदर सिर्फ एक आईना रखा हुआ था और उस आईने के ऊपर लिखा हुआ था कि इस व्यक्ति की वजह से आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है। जब हर कर्मचारी वहां पे जाके, अंदर जाके अपने आप को देख रहा था, तब उसे एक एहसास हो रहा था कि हाँ, सबसे पहले मेरी तरक्की को अगर कोई रोकता है तो वो मैं खुद हूं। मेरी कोशिशें जिस वक्त बंद हो जाती है, मैं जब अपनी कोशिश पूरी तरह से बंद कर देता हूं या रुक जाता हूं, उस वक्त सबसे पहले मैं अपनी तरक्की को रोक लगाता हूं। किसी और की तरफ उंगली उठाने से पहले या किसी और का नाम लेने से पहले हमें ये देखना, ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्या मैं मेरी तरक्की के लिए कुछ अपनी ओर से इनपुट या एफर्ट्स लगा रहा हूं या नहीं। जी हाँ, इसी तरह से हम भी अपने जीवन में, फिर चाहे आप वो स्टूडेंट होने दीजिए या आप आपका करियर कर रहे हो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या मैं अपनी बेटरमेंट के लिए अपनी तरफ से कितना योगदान दे रहा हूँ, फिर वो चाहे पढ़ाई हो या अपना प्रोफेशन हो। इस बात का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी सोच के साथ आज हम यहीं रुकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसके बारे में या और कोई सवाल आपके मन में है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने जो भी जानने वाले, पहचानने वाले हैं, उन्हें इस वीडियो और हमारे चैनल की लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए जानकारी लेते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ विजन ग्रुप नागपुर, एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन। थैंक यू।